This video is sponsored by KW Delhi 6. Hi everyone, I am Nithi Bakshi and you are watching Pink Talk. Parties kise pasand nahi, par ek achhi party wahi hoti hai na, jisme aap khoob enjoy karte ho. जहाँ हर चीज का, वहाँ के फूड का, म्यूजिक का, एंटरटेनमेंट का, सबका बहुत अच्छा सा बैलेंस हो। पर आखिर इसके पीछे कौन होता है? इसके पीछे होता है उस पार्टी का होस्ट। पर एक पार्टी सक्सेसफुल हो जाए सिर्फ होस्ट की वजह से ऐसा भी नहीं है, गेस्ट का भी उतना ही रोल होता है। तो आइए आज जानते हैं हाउ टू बी अ परफेक्ट होस्ट एंड अ परफेक्ट गेस्ट। मैं बात कर रही हूँ उस पार्टी की जो आप अपने घर पे ही अरेंज कर लेते हैं, मतलब लगभग 20 से 35 लोगों के बीच, जिसमें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स या कुछ कपल्स इनवाइटेड हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं एक अच्छी पार्टी के लिए सबसे पहले होस्ट को क्या करना है। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें मेंशन कीजिए डेट एंड टाइम। अगर कोई खास ओकेजन है जैसे बर्थडे या एनिवर्सरीज जो आप चेंज नहीं कर सकते तो बात और है, लेकिन अगर आप जस्ट फॉर फन एक गेट टुगेदर कर रहे हैं तो वीकेंड्स या हॉलीडेज देखकर ही प्लान करें। सेकेंड नंबर पे लिखिए गेस्ट लिस्ट, आपकी पार्टी में कितने एडल्ट्स और किड्स आ रहे हैं सब मेंशन कीजिए। इसके बाद लिखिए थीम, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपने कोई थीम रखी है तो आपको दो दिन पहले उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे उसकी डेकोरेशन में या उसकी मैचिंग कटलरी में या उससे रिलेटेड गेम्स एंड प्राइजेस में, बट ये ऑप्शनल है। इसके बाद लिखिए आपका मेन्यू, राइट फ्रॉम वेलकम ड्रिंक, देन रिफ्रेशमेंट, स्नैक्स, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, मेन मील से लेके डेजर्ट तक सब मेंशन कीजिए। इसके बाद लिखिए गेम्स, प्राइजेस एंड रिटर्न गिफ्ट्स, जो कि ऑप्शनल है, हर पार्टी में ये यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की पार्टी कर रहे हैं, बर्थडेज हैं या एनिवर्सरीज हैं, तो शायद आप उसमें कुछ गेम्स वगैरह रखें तो ये मेंशन कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। जब भी कोई खास दिन होता है तो हमारा घर एक स्पेशल क्लीनिंग मांगता है। A clean house is a welcoming house. तो दो दिन पहले अपने घर की बैल्कनीज, ग्रिल्स, वॉल कॉर्नर्स अच्छे से चेक करके उनको क्लीन करा लें। और पार्टी वाले दिन किचन का वॉशिंग एरिया, जहां आप डिशेस रखते हैं, वो एकदम क्लीन होना चाहिए। साथ में ही डस्टबिन एरिया पर भी ध्यान रखें, वो भी एकदम क्लीन रखें। अब बात आती है वॉशरूम की, जो बिल्कुल क्लीन रहने चाहिए। साथ में वहाँ एक हैंड वॉश और एक क्लीन टॉवल जरूर रखें। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड। गो एंड रीड अ प्रोजेक्ट हाइलाइट्स। अब बात करते हैं वेलकम की। यहाँ गेस्ट को एक खास रोल प्ले करना होता है। तो जब भी आपके घर कोई आए, एक अच्छे मूड के साथ, ब्रॉड स्माइल के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसका वेलकम करें। हर रूम में रूम फ्रेशनर करना ना भूलें। आप अपने घर में कुछ खास तरीके की लाइट्स उस स्पेशल दिन के लिए लगा सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। कर्टेन फॉर्म में, हैंगिंग फॉर्म में, ये अलग अलग डिजाइन में आती हैं, स्टार, मून, हार्ट शेप, फ्लावर्स। इसके अलावा आप कैंडल्स लगा सकते हैं, और अगर फ्लावर्स का सीजन है तो जगह जगह वासेस में आप फ्लावर्स लगा सकते हैं। आप ऑयल लैंप्स का भी यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें ना सिर्फ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, बल्कि गेस्ट को भी एक वार्म की फीलिंग आती है। इसके अलावा भी कुछ खास टिप्स हैं जो रिलेटेड हैं हमारे एंटरटेनमेंट एंड फूड से। एक अच्छा होस्ट वही होता है जो हर एक गेस्ट पर इक्वल ध्यान दे, उन्हें इक्वली ट्रीट करे। और ध्यान रहे कि अगर पार्टी में बच्चे हैं तो वो इग्नोर ना हो जाएं। उनके लिए भी पहले से ही कोई एक्टिविटी प्लान करें उन्हें एंगेज करने के लिए। और एडल्ट्स को तो आप बिजी कर सकते हैं किसी भी अच्छे म्यूजिक के साथ, गेम के साथ, या फिर अपनी पुरानी एल्बम्स के साथ। जब बात करते हैं हम खाने की, तो पार्टी का मेन्यू डिसाइड करते वक्त ये ध्यान रहे कि बच्चे और बड़े दोनों की चॉइस का खाना हो। जब मेन मेन्यू डिसाइड करें तो ट्राई करें कि खाना बहुत कलरफुल बने। ये ना हो कि सब कुछ आप येलो करी में बना दें, क्योंकि कलर्स दिल को और आंखों को दोनों को ही बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ भी नया मत ट्राई करें, आप सिर्फ वही बनाएं जिसमें आप परफेक्ट हों। और पार्टी में बहुत सारे स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स का इंतजाम करें। और हाँ, अगर कोई गेस्ट आपको हेल्प ऑफर करता है
किचन में तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास समय है गेस्ट के लाए हुए गिफ्ट्स खोलने का, तो उनके सामने गिफ्ट्स खोलने में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट गेस्ट को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो वेट कर रहे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं आपके रिएक्शन देखने का। तो ये थे हमारे परफेक्ट होस्ट के टिप्स, और अब देखते हैं हम परफेक्ट गेस्ट के टिप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सक्सेसफुल पार्टी वही होती है जिसमें सिर्फ होस्ट ही नहीं गेस्ट भी अच्छे हों। तो गेस्ट का रोल क्या होता है, आइए जानते हैं। एक अच्छा गेस्ट वही होता है जो अपने होस्ट के टाइम और स्केड्यूल की कदर करता है, यानी अपने होस्ट के दिए गए टाइम पर पार्टी में पहुंचे। खाली हाथ कभी ना जाएं। ये एक छोटा सा जेस्चर है उन्हें अप्रिशिएट करने का, इसमें बहुत बड़े गिफ्ट की जरूरत नहीं होती। आप कोई भी चीज लेके जा सकते हैं, जैसे नैपकिन होल्डर, की होल्डर, बॉटल ओपनर, बॉटल होल्डर, कोई डिवोशनल चीज या ऑयल लैम्प। पार्टी में जाने से पहले अपने होस्ट को एक कॉल जरूर करें और उनसे पूछें कोई उनको हेल्प की जरूरत तो नहीं। और पार्टी में पहुंचने के बाद भी किचन में हेल्प अपनी ऑफर करना ना भूलें। इसके अलावा जब पार्टी ओवर हो जाए तो भी ट्राई करें कि आप अपने होस्ट को क्लीनिंग में हेल्प कर पाएं। और जाते समय थैंक यू कहना मत भूलें, या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज जिसमें आप उन्हें अप्रिशिएट करें और थैंक यू करें। इससे आपका होस्ट बहुत ही अच्छा महसूस करेगा और उसके अंदर जो दिन भर की थकान होगी वो दूर हो जाएगी। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स एक परफेक्ट होस्ट और परफेक्ट गेस्ट बनने के। नेक्स्ट टाइम लाइफस्टाइल या फैशन से रिलेटेड फिर किसी थीम के साथ आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस एट 8010908888. Thank you.